नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूपीएस न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों पर। कोलारा कला में उस समय हड़कंप मच गया जब जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई। आज गांव कोलारा कला पहुंचे एडीजी राजीव कृष्ण, आईजी नवीन अरोरा, जिलाधिकारी सहित एसएसपी आगरा। ताज नगरी आगरा में जहरीली शराब से लगभग 10 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जहरीली शराब से हुई मौतों से इनकार कर रहा है प्रशासन। परिवारजनों का आरोप है कि जहरीली शराब से मरने वाले रामबीर का पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कराया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक पुलिस ने रात के 2 बजे जबरन अंतिम संस्कार कराया। हाथरस प्रकरण की तरह ही आगरा पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल, थाना डॉकी क्षेत्र में आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा है जहरीली शराब का रोजगार? आगरा से हमारे संवाददाता अनिश खान की रिपोर्ट। और किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या देखिए, अभी 3 जगह सूचना मिली है। एक कार्य क्षेत्र और तीसरा समता भारती को ध्यान कर माइक नीचे नीचे वाला एडीजी साहब ने दो से बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों के अधिकारी थाने के लोगों से बात की है। और भी जगह जाएंगे तो आगे क्या करोगे सर? क्या जानकारी मिली है, क्या बता रहे हैं? याद अभी हम पूरी करेंगे जब नहीं जानकारी क्या जाएंगे जानकारी मिलेगी आप बता दें। हेलो, अभी यहाँ कोलारा कला में जो मृतक हैं उनके परिजनों से और बाकी संबंधित लोगों से बात हुई है। उन्होंने पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरा बताया है कि किस किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कब उन्होंने शराब ली, कब उनकी तबीयत खराब हुई और कब आगे भी कार्रवाई हुई। इसमें अभी हम लोग बाकी जो दोनों गांव हैं वहां पर भी जाएंगे। जो कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों की अभी संख्या और नाम अभी हम इस स्थिति में नहीं पुष्ट कर सके, जो यहाँ तक मुलजिम की बात है।